इस वक्त राजनीति भी छिड़ी हुई है, सियासत भी हो रही है। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर की ओर बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया है। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया और तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले से ही तेज बारिश हो रही है, तो वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बंगाल की तरफ अब दाना बढ़ेगा, हालांकि नजर बनी हुई है मौसम विभाग की लगातार। बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा चुका है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यह तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, धामरा की, केंद्रपाड़ा की और तमाम ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की और मुख्यमंत्री ओडिशा के जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, समंदर से उठती हाहाकारी लहरें, तबाही मचाने को आमादा चक्रवाती हवाएं, दाना आया दहशत लाया। ये कुदरत के उस मिजाज की तस्वीरें हैं जहां किसी का बस नहीं चलता। दाना साइक्लोन की सनसनाती हवाएं और उन हवाओं के प्रभाव से उठती समंदर में लहरें तस्दीक कर रही हैं कि चक्रवाती तूफान के टकराने की ताकत क्या होती है। बंगाल की खाड़ी में बने इस प्रचंड तूफान से निपटने की तैयारियां तो बड़ी थी, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे कोई तैयारी काम नहीं आती। और ऐसा ही कुछ दाना नाम के इस चक्रवाती तूफान ने भी कर दिखाया। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये तूफान ओडिशा के तट से टकराया तो दिल दहला देने वाली तस्वीरों से लोगों का सामना हुआ। रात को 11-12 बजे के आसपास दाना जो है वो अपना कहर दिखाना शुरू किया और जो लैंडफॉल है वो लैंडफॉल भीतरकर्णिका और धामरा के बीच में हुआ है। वहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी और उसके साथ काफ़ी बारिश हो रहा था। न सिर्फ ये जगह भद्रक, केंद्रपाड़ा, धामरा, पूरी में भी बारिश हुआ। दाना तूफान की चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश का असर ये हुआ कि केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गईं। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश ने बड़ी तबाही के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि तेज बारिश और तूफान ने भद्रक में जबरदस्त तबाही मचाई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अब ये तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ता जाएगा। चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कोलकाता पर भी दिखने लगा है। ये तूफान कल देर रात उड़ीसा के भद्रक के पास जमीन से टकराया, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए अब कोलकाता में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश रह रहकर हो रही है। दाना तूफान के असर की कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है, इसकी प्रचंड ताकत का असर कई राज्यों पर पड़ने वाला है। दावा किया जा रहा है कि दाना तूफान का सबसे भयानक असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दाना तूफान के एक एक पड़ाव पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भले ही कुदरत की आपदा से तबाही को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस तबाही के असर को कम जरूर किया जा सकता है। और इसी कोशिश में
पूरा प्रशासनिक अमला पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है। समुद्र का पानी अंदर तक नहीं आया है, इस दीवार के पीछे या फिर बांध के पीछे रह गया है। बहुत जगह जगह पर आप देख सकते हैं पेड़ उखड़े पड़े हैं, जो इलेक्ट्रिक फिकेशन के जो तार थे वो सब गिरे पड़े हैं। बहुत बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक के जो थे या पोल थे सब उखड़े पड़े हैं। और इलेक्ट्रिक तो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था शाम से, मगर ये हालात जब सुबह हुआ तो धीरे धीरे करके ये नजर आ रहा है। आपकी आंखें जहां तक जा रही हैं वहां तक पेड़ ही पेड़ गिरे पड़े हैं। अभी इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने संख्या में पेड़ गिरे पड़े हैं। फिलहाल हम इस जगह में हैं, यहां तो सड़क के ऊपर दो पेड़ गिरे हैं और लोगों के घरों की हालात आप देखिए। जो झुग्गी झोपड़ी है उनकी बात तो बाद में करेंगे, जो पक्के मकान है वो लोग भी रात में कल सो नहीं पाए।